तो बाप कहते हैं सदैव पुरुषार्थ करते रहो। सो द फादर सेज ऑलवेज कीप मेकिंग पुरुषार्थ। क्या वॉट आत्मा के अर्थ करो। वर्क फॉर द सेक ऑफ द सोल। आत्मा के अर्थ जो काम किया जाता है उसको कहा जाता है पुरुषार्थ। वॉट एवर इज डन फॉर द सोल इज कॉल्ड पुरुषार्थ। और देह के अर्थ जो किया जाता है वो स्वार्थ। एंड वॉट एवर इज डन फॉर द बॉडी इज स्वार्थ दैट इज सेल्फिशनेस। इस बात की गहराई को भी समझना है क्या? You have to understand the depth of this concept too. What? स्वार्थी नहीं बनना है। You shouldn't become selfish. जो स्वार्थी होते हैं वो विश्व के मास्टर नहीं बन सकते। Those who are selfish can't become the emperor of the world. पुरुषार्थी होंगे तो विश्व की बादशाही मिल सकती है। You can receive the emperorship of the world if you are पुरुषार्थी। तो सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो। So he always says keep making पुरुषार्थ। सुस्त मत बनो। Don't become lazy। पुरुषार्थ करने में सुस्त मत बनो। Don't become lazy in making पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से ही समझा जाता है ड्रामा प्लेन अनुसार इनकी सदगति इतनी होगी और इसी ही प्रकार होनी है। It is understood just by Purusharth that this one will attain Sadgati to this extent according to the drama plan and it will happen in this way. ये पुरुषार्थ से यहाँ का जा सकता है। You can calculate that by Purusharth.